दोस्तों, मैं उस साइट पर पहुंच चुका हूँ, उस गुफा पर, जिस गुफा में पेंटिंग्स थी। अभी जैसे कि मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रहा था, दिखाई भी दे रही होंगी आपको, ये काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है यहाँ पर। किसी में डमरू बना हुआ है, किसी में स्वास्तिक बनी हुई है, पहिए का चक्र चक्र भी बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमारी गवर्नमेंट सरकार इसको प्रोटेक्शन में नहीं लेगी तो ये बहुत जल्दी डैमेज होने वाली है। हमें इन साइटों को डैमेज होने से बचाना है। जो ये शिला दिख रही है आपको, एक गुफा के अंदर बहुत बड़ी शिला है। देखो कितनी खतरनाक गुफाओं में हमारे जो पूर्वज थे वो रहा करते थे। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर, जो इससे भी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई है। मैं आपको उस पेंटिंग्स को और दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई वो पेंटिंग्स, हम सोच भी नहीं सकते, ना ही आप सोच सकते पा रहे हैं कि इतनी बेहतरीन तरीके से पेंटिंग्स कैसे बनाई गई थी उस टाइम पर, किस चीज़ से पेंटिंग्स बनाई गई थी, क्या उस टाइम पे पेंट का कोई आविष्कार हुआ था। मुझे तो नहीं लगता कि इतने पुराने टाइम में कोई पेंट का आविष्कार हुआ होगा, लेकिन इससे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए कितने